हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो आज के इस वीडियो में हम दो जॉब अपडेट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डेली आपके लिए जॉब अपडेट्स आते रहते हैं, तो आज हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे SJVN लिमिटेड की तरफ से जो रिक्रूटमेंट की जा रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लोजिंग डेट 24 अगस्त है, बट इसकी लास्ट डेट अब एक्सटेंड कर दी गई है। अब 30 सितंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जिसने यहाँ पर अप्लाई नहीं करा था वो अब भी जाके अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कई तरह की वैकेंसीज हैं, फील्ड ऑफिसर, जूनियर फील्ड इंजीनियर, जूनियर फील्ड ऑफिसर। जैसे अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो फील्ड ऑफिसर के लिए, अगर आप ग्रेजुएट हो, 2 साल का अपने MBA करा है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फील्ड ऑफिसर के लिए CA वगैरह की अप्लाई कर सकते हो। जूनियर फील्ड इंजीनियर की बात करें, डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा है मैकेनिकल में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बात करें अगर जूनियर फील्ड ऑफिसर की बात करें, तो ग्रेजुएट अगर आपने करा है, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी इंटर CA या फुल टाइम मास्टर्स डिग्री है तो आप यहाँ पर सब जगह अप्लाई कर सकते हो। फील्ड ऑफिसर को पर मंथ 60,000 मिलने वाला है, और यहाँ पे जूनियर फील्ड इंजीनियर या ऑफिसर की बात करें 45,000 रुपीज़ पर मंथ इनको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और बाकी यहाँ पे एडिशनल रिम्यूनेशन वगैरह भी है, जो एडिशनल फिक्स रिम्यूनेशन के साथ है, यहाँ पर वो सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे चलते हैं और डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब जैसे यहाँ पर आपके सामने वैकेंसीज वगैरह, तो चलो आपको बता दिए ऊपर यहाँ पे सब कुछ बता दिया था, या रिजर्वेशन वगैरह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे चलते हैं पे एज रिलैक्सेशन, जैसे जम्मू कश्मीर वालों के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखी गई है। इस तरह से यहाँ पर ये बातें बताई गई हैं डोमिसाइल वालों के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें फील्ड ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए, यहाँ पे आपका CBT होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। बट जूनियर फील्ड ऑफिसर या फिर सिंपल जूनियर फील्ड इंजीनियर की बात करें, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर रहने वाली है। टेस्ट सेंटर की बात करें न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, शिमला, यहाँ पर जो है टेस्ट सेंटर रहने वाले हैं। और फील्ड इंजीनियर ऑफिसर की बात करें हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ वगैरह, यहाँ पे मोहाली, देहरादून, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। CBT की बात करें फील्ड ऑफिसर के लिए पार्ट वन में 120 क्वेश्चन MCQ रहेंगे आप, और पार्ट टू में 30 MCQ रहेंगे एप्टीट्यूड के। और जूनियर फील्ड वगैरह की बात करें पार्ट वन में 70 MCQ होंगे उनके डिसिप्लिन के, पार्ट टू में 30 MCQ जनरल एप्टीट्यूड, ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह इस तरह का रहने वाला है। ये बेसिक कंडीशन यहाँ पर बताई गई हैं, तो अगर आपने अप्लाई नहीं करा तो आप जाके अप्लाई वगैरह यहाँ पर कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना, आप SJVN की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर विजिट करोगे, वहाँ पर जाके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी आगे डिटेल्स और देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बता चुका हूँ लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई 30 सितंबर तक, आप यहाँ पर अप्लाई वगैरह करना चाहते हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आगे चलते हैं सेकेंड अपडेट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की बात करें, इनकी तरफ से रिक्रूटमेंट की जा रही है। 300 यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अप्लाई करने की लास्ट डेट जो रखी गई है वो 21 सितंबर है, और अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स, और बाकी जो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा वो नवंबर में रहने वाला है। 300 वैकेंसी ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ पर। यहाँ पर अप्लाई कौन कौन कर सकता है यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखो पर मंथ आपको 32,000 32,795 स्टार्टिंग में, फिर वो एक्सटेंड होता जाएगा इस तरह से। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कम से कम ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हो, और फाइनल ईयर या फिर सेमेस्टर में हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इतने कंडीशन आपको समझ आ गए होंगे। बाकी एज रिलैक्सेशन भी है, मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है जनरल वालों के लिए। और यहाँ पर बात करें और इम्पोर्टेंट यहाँ पर कह रहा था, जैसे अगर हम बात करें सिलेक्शन वगैरह की, तो आपका पहले प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम एग्जामिनेशन की बात करें 100 मार्क्स का रहने वाला, 3 सेक्शन यहाँ पर रहने वाले हैं। जैसे प्रीलिम की बात करें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इंग्लिश रीजनिंग एप्टीट्यूड रहने वाला है, 100 मार्क्स रहने वाले हैं, इस तरह का सब कुछ आपके सामने रहने वाला है। मेन एग्जामिनेशन की बात करें उसमें रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका रहने वाला है। तो इन टेस्ट वगैरह के बेसिस पे आपके यहाँ पे सिलेक्शन होगी, लास्ट में आपका इंटरव्यू रहेगा। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो आप यहाँ पर भी अप्लाई वगैरह कर सकते हो। लास्ट डेट आपको बता चुका हूँ 21 सितंबर तक है। एग्जामिनेशन सेंटर आपका तकरीबन हर स्टेट हर यूटी में बनने वाला है। और एप्लीकेशन फीस की बात करें SC ST PWD के 100 रुपीज़ है, बाकी सबके लिए यहाँ पे 750 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है। अप्लाई कैसे करना, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है newindia.co.in। ये थे आज के इम्पोर्टेंट जॉब अपडेट। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।